नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ओडिशा में दाना ने तबाही मचाना किया शुरू, 400 उड़ानें और 750 ट्रेनें रद्द, 6 लाख से ज्यादा विस्थापित 10 पॉइंट्स। उत्तर बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। तूफान की वजह से ओडिशा में कई स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को सहमा दिया है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की तस्वीरें भी सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात दाना के पहुंचने की प्रक्रिया 24 और 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि में शुरू हुई है। यह शुक्रवार की सुबह तक जारी रहने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक तूफान पारादिया यानी ओडिशा से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व धामरा यानी ओडिशा से 40 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और सागर द्वीप यानी पश्चिम बंगाल से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बचाव में जुटी टीमें, ओडिशा में 385 बचाव दलों को तैनात किया गया है। 20 NDRF, 51 ODRAF, 220 अग्निशमन दल और 95 ओडिशा वन विकास निगम दल भी तैनात हैं। पशु चिकित्सा दल भी तैनात, 60 ब्लॉक, 2131 गांव, 12 शहरी स्थानीय निकाय और विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के 55 वार्ड के लोगों को निकाला गया है। 4756 चक्रवात राहत केंद्र चालू है। 6454 पालतू पशुओं को राहत केंद्रों में लाया गया है। वहीं 213 चिकित्सा दलों को भी तैनात किया गया है। 120 पशु चिकित्सा दल भी तैनात हैं। मौसम विभाग ने क्या कहा? IMD निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटों से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 3-4 घंटों में पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तट और पश्चिम बंगाल तट को पार करने की संभावना है। ओडिशा में अभी तक 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 7000 से अधिक शिविर स्थापित किए गए हैं। 2300 से अधिक गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस बीच ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हुगली और 24 परगना समेत पूरे दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहां अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। NDRF के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने बताया कि ओडिशा में 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट बंद, भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान की आवाजाही रोक दी गई है। भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान के मुताबिक गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक संचालन ठप रहेगा। मौसम की समीक्षा के बाद उड़ान सेवा को बहाल किया जाएगा। उधर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन भी गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बंद किया गया। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़ आपकी आवाज़।